फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। तो हम पढ़ेंगे आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमारी बुक का है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का, और ये है हमारा अ थीव स्टोरी। एंड ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन या रस्किन जो भी है, राइटर का नेम तो आता नहीं है, पोइट का ज़्यादा आता है इसलिए ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं, बेचारे मेहनत की है इसलिए नाम लिख दिया मैंने। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। सो यहाँ पर एक बॉय है, उसका रियल नेम तो नहीं पता, पर इस चैप्टर में जो उसका नेम है वो है हरी सिंह के नाम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है पर लाइक करने में 1 सेकंड लगेगी बस आपको, ठीक है। अच्छी लगे तो ये लाइक करना, ज़रूरी नहीं है। तो इसका नेम है हरी सिंह, जो इसका झूठा नेम है एक्चुअली। तो इस चैप्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर ये जो लड़का होता है, इसकी एज आई डोंट नो कितनी थी, बताई नहीं इस चैप्टर में, करेक्टली नहीं पता, पर इसमें 15 बोला गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये खुद ये बोल रहा है कि आई वॉज ऑफ 15। अब रस्किन बॉन्ड ने लिखा है तो क्या पता वो ही हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक बार ना ये कहीं जा रहा था, तो उस टाइम ये एक सिर्फ 15 साल का था, सिर्फ 15, कितने का, ओनली 15 ईयर्स, ज़्यादा छोटा भी नहीं था और बड़ा भी नहीं था, राइट। तो 15 साल का था ये, तो ये बोल रहा है कि जब ये 15 साल का था तब ये मिला था किससे, एक अनिल नाम के व्यक्ति से, शख्स से मिला था एक, ठीक है। तो ये मतलब चोरी बहुत अच्छे से करता था, एकदम साफ हाथ था इसका, मतलब जैसे जादूगर का नहीं बोलते एकदम साफ हाथ है, या फिर चोर का भी चोरी करके ले जाता है कुछ चीज़ तो बोलते हैं कि एकदम हाथ साफ करके गया है। तो ये वही कहता है कि ये बहुत एक्सपीरियंस था और सक्सेसफुली हैंड था, यानी बहुत अच्छे से चोरी करता था। तो ये उस टाइम कहता है कि मैं जब 15 साल का था तब मैं अनिल से मिला, जिस टाइम अनिल रेसलिंग देख रहा था। सो ये जो है ये है अनिल, राइट। सो ये कहता है कि जब वो 15 साल का था तब ये अनिल से मिला, तो अनिल कैसा था, अभी अनिल के बारे में बताता है। अनिल उस टाइम वैसे तो वो क्या कहते हैं, उस टाइम रेसलिंग देख रहा था। अब ये नहीं बताया कि कहाँ देख रहा था, खुले मैदान में देख रहा था या फ़ोन पे देख रहा था या टीवी में देख रहा था, ये सब नहीं बोला है, बस ये बोला था कि रेसलिंग। सो बस इसमें बोला है कि रेसलिंग देख रहा था, ठीक है। तो इसके बारे में बताया है कि वो जो था, वो अनिल जो था वो टोल था, लंबा था एंड थोड़ा मोटा था, इधर मैंने पतला बनाया पर वो थोड़ा मोटा था, इसमें बुक में दिया गया है, ठीक है। तो और मतलब ये फिर बोलता है जो भी आदमी, इसने हरी सिंह इसको अपना नाम बताया था, जब अनिल ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये इसने झूठ मूठ में बोला हरी सिंह। इसने जितनी बार जहाँ पर चोरी की है ना, वहाँ पर अलग अलग नेम बताता और वहाँ से भाग जाता और दूसरी जगह जाके दूसरी चोरी करता। तो ये अपने मन मन में सोच रहा था कि ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है, मेरे काम के लिए ये बिल्कुल ठीक है, ताकि ये इसको एकदम लूट सके। तो ये बेचारा सीधा साधा था, तो इसको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, इसको अपना ABCD भी नहीं पता होगी, राइट। तो इसने इससे पूछा कि तुम काम कर क्या काम करते हो, तो बोला कुछ काम नहीं करता मैं, आप मेरी हेल्प कीजिए। अरे बातचीत में मतलब बोला इसने, तो ये इसने इसको अपने घर पे, हरी सिंह को अनिल ने अपने घर पे खाना कुकिंग के लिए रख लिया। तो एक दिन जब उसी रात को जब उसने उससे कहा कि खाना बनाओ, तो उसको तो पता नहीं था क्या खाना बनाना है, तो उसको खाना बनाना तो आता नहीं था, क्या बनाता बेचारा, तो जला दिया खाना जो भी था, और कच्चा पक्का पता नहीं कैसा था, ठीक है। तो फिर अनिल हंसता हुआ उसको बोल दिया कि तुम जाके बैठो, मैं बना के लाता हूँ। तो ये बनाता होगा खाना, फिर ये साफ़ सफाई करता होगा, सब्ज़ी वगैरह लाता होगा दुकान से, तो उस चीज़ के ये इसको पैसे देने को कहा करता था, ठीक है। तो ये जो हरी सिंह था, ये बहुत घुल मिल गया था इससे, अनिल से, ये जो बच्चा था ये अनिल से बिल्कुल घुल मिल गया था, ताकि ये इसको आराम से लूट सके। और ये जो अनिल था, ये इसको कहता था कि मैं तुम्हें ABCD सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना नाम लिखना सिखाऊंगा, ठीक है।
तो ये बस उसको सीखने, जब ये बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन, तो अनिल को उसने एक राइटिंग कुछ लिखा था मैगज़ीन वगैरह में, तो उसको उस चीज़ के, वो उसकी मैगज़ीन बिक गई, उसकी रिपोर्ट बिक गई, तो उसको पैसे मिले। क्या मिले? पैसे। तो अनिल को पैसे मिले, बहुत सारे पैसे मिले थे, दो ही नहीं मिले थे, ठीक है। तो हरी सिंह ने देखा कि क्या पता ये मुझे मेरी तनख्वाह ना दे, क्या पता मुझे मेरी पगार ना दे। तो अनिल ने उस रात को जब वो आया अपने पास, तो इसने सोचा कि अपने सारे पैसे तो ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देगा, क्या पता मेरी पगार देना, मेरी तनख्वाह देना भूल जाए, तो एक काम करता हूँ, मैं सारे पैसे लेके भाग जाता हूँ, ठीक है। तो अनिल ने उस टाइम रात को सुबह जब भी पढ़ाता होगा, उसने उसको बस सारी वर्ड्स सिखा दिए थे। अगले दिन बस वो सेंटेंसेस सिखाने वाला था उसको, हरी सिंह को, अनिल, ठीक है। बोरिंग लग रहा होगा, पता है, पर पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, कोई बात नहीं, चलो। फिर हरी सिंह रोज़ सीखता था उससे, तो अगले दिन वो सेंटेंसेस सीखने वाला था। पर उसी रात जब अनिल सो रहा था, सो अनिल जब सो रहा था ना, तो इसने क्या सोचा कि अब तो सही मौका है, रात और थी उस टाइम, ठीक है, सूरज इधर जा चुका था एंड हमारे चंदा मामा आ चुके थे, ठीक है, थोड़ा चांद देख लेना कोई बात नहीं। तो इसने सोचा भाई बढ़िया मौका है, अभी जाके चुराऊंगा पैसे। तो ये जब इसको है ना, अनिल ने अपने डोर की चाबी दे रखी थी, इसका उसका गेट का, ऐसे कमरे का दरवाज़ा तो वैसे भी अनिल खोल ही लेता, सॉरी हरी सिंह खोल लेता, क्योंकि उसमें उसने लॉक नहीं लगाया था अनिल ने। तो हरी सिंह जो था, उसने वो धीरे धीरे वहाँ पर आया एंड नीचे जो उसकी ब्लैंकेट थे, उसने देख लिया था कि अनिल ने अपनी ब्लैंकेट के नीचे अपने पैसे रखे हैं। तो वो धीरे धीरे आया और ब्लैंकेट के नीचे से पैसे निकालने लग गया। तभी जो अनिल था, वो उसने करवट ली होगी, हिला हुआ थोड़ा, तो वो इसकी हरी सिंह की साइड आ गया। हरी सिंह इस साइड था, तो उसने थोड़ा इस साइड फेस किया था, पर वो सो रहा था। तभी हरी सिंह बहुत डर गया था कि बस अब तो चोरी पकड़ी गई, पर फिर भी वो हरी उसने देखा कि अनिल अभी सो रहा है, तो वो धीरे धीरे पैसे निकाल के और बाहर भाग गया। बाहर गया गेट से बाहर, तो उसको उसने मेन डोर की, जो मेन डोर होता है हमारे घर का, उसकी चाबी भी दे रखी थी, उसकी चाबी उसको दे रखी थी, ठीक है। तो उसने हरी सिंह ने उसको गेट खोल कर वो बाहर भाग गया। बाहर जब वो भागा भागा बहुत दूर आ गया था, भागते भागते वो बहुत दूर आ गया था, और उसे लगा अब तो वो घर वापस जा ही नहीं पाएगा, उसके अनिल के घर वापस। फिर उसने जाके आगे स्टेशन पे वो पहुंच गया, उसने सब्जी मंडी की बहुत सारी जगह गया था वो, मतलब जगह क्रॉस करता 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 वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। फिर वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो उसने अपनी स्पीड ना धीरे कर दी। उस टाइम तो भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, पर जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, उसने देखा कि ट्रेन खड़ी है, पर ट्रेन अभी तभी पीवी करती है ना चलने के लिए, तो ट्रेन चलने वाली थी। तो हरी सिंह ने अपनी स्पीड धीरे करी, धीरे वो धीरे धीरे चल रहा था, फिर जैसे हम नॉर्मल चलते हैं वैसे। तो इसने रास्ते में सोच रहा था कि क्या ये सही है, आज तक उसने जितनी भी चोरी की थी उसने बहुत इजीली कर दी थी, पर ये बहुत मुश्किल था उसके लिए अनिल को लूटना, क्योंकि ये बहुत भरोसा करता था हरी सिंह के ऊपर अनिल, एंड उसने उसकी चाबी दे रखी थी, पैसे भी नहीं छुपाए उसने तिजोरी बिजोरी में, उसने ब्लैंकेट के नीचे रख दिए। तो इतने में ट्रेन चली गई, तो उसने फिर हरी सिंह वहाँ से भागा, चला 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 वहाँ पे जाके पार्क में चला गया, गार्डन में गया वो। तो उस टाइम बहुत ठंड हो रही थी, ठीक है, ठंड हो रही थी, और वो बिना ब्लैंकेट बिना किसी चीज़ के, रात को भाई बहुत ठंड होती है वैसे भी, ऑब्वियसली ओस पड़ रही होती है, बारिश होती है, तो वो चला जाता है कहाँ पे, उस पार्क में। पार्क में जाके वो जो हम बैठने की सीट्स नहीं होती हैं उस पे जाके लेट जाता है, और वहाँ पर सोचता सोचता अनिल के बारे में सो जाता है। तो सुबह जब वो उठता है,
तो वो जल्दी जाता है, उसे लगा होता है कि अब तो घर जाना है। अब अनिल को पता लग गया होगा, पता नहीं वो क्या करेगा, तो मतलब वो एकदम डर जाता है। तो वो देखता है कि वो जो ओस की वजह से जो वो पैसे होते हैं, जो वो पैसे होते हैं रुपीज़ जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, सारे गीले हो जाते हैं। तो फिर वो वहाँ से भागा भागा फिर भी चुपचाप गेट खोलता अंदर जाता है। तो वो देखता है कि अनिल अभी भी सो रहा है। तो चुपचाप जाके फिर वापस से कमरे में आता है और धीरे से वो पैसे रख देता है ब्लैंकेट के नीचे जैसे कि जैसे रखे थे, एंड जाके अपने वहीं जाके सो जाता है, सो जाता है या काम कर लेता है, फिर उठ जाता है। ठीक है, क्योंकि अनिल लेट उठता होगा भाई, हमें क्या पता। ठीक है, तो जब अनिल उठता है, जब वो आता है हरी सिंह के पास, तो वो उसे पैसे देता है, उसकी तनख्वाह, कहता है लो तुम्हारी तनख्वाह। तो उसे हरी सिंह को जब वो चोरी करने की सोच रहा होता है, तो वो जो अनिल होता है ना, वो हरी सिंह को पता है कितने रुपीस दे रहा होता है, 50। तो उसके हाथों में हर उंगलियों के बीच में 50 रुपए के नोट थे। तो ये उस उन नोटों को देख के बहुत डर जाता है, पर अनिल आराम से कहता है कि आज से तुम रेगुलरली पेड होगे, यानी तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दी जाएगी, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह अधूरी नहीं रखी जाएगी। ठीक है, तो बस फिर ये सोचता है कि वाह, अनिल को ये तो पता होगा कि नोट इसलिए गीले थे क्योंकि मैं लेके गया था, पर फिर भी वो मुझे इतने नोट दे रहा है, मुझे मेरे पैसे दे रहा है। ये कह रहा है, उसने कहा कि मैंने कल पैसे कमाए थे और अब तुम ये पैसे ले लो, अब तुम रेगुलरली पेड होगे। तो उसके बाद फिर ये जब सोच रहा होता है कि कितना अच्छा हुआ मैं लखनऊ नहीं गया, 10:30 की बस वो जो ट्रेन थी ना, वो सॉरी 10:30 PM पे लखनऊ जा रही थी, लखनऊ। तो ये सोच रहा होता कि अच्छा हुआ मैं वहाँ लखनऊ नहीं गया, क्योंकि अगर मैं लखनऊ चला जाता तो अनिल का एक तो भरोसा टूट जाता, भरोसा भी टूट जाता, और ऊपर से कभी किसी और के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाता, एंड इस बेचारे के पैसे भी चले जाते, इतने मुश्किल से इसने कमाए होंगे, राइट। तो फिर उसके बाद जब ये सोच ही रहा होता है, तभी अनिल बोलता है कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। तभी हरी सिंह बहुत खुश हो जाता है कि अच्छी बात है, मैं अब कुछ पढ़ लिख लूँगा तो मैं भी खुद अपने पैसे कमा लिया करूँगा। वैसे भी अनिल उसको पैसे दे ही रहा होता है। ठीक है, बस इतनी स्टोरी थी, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो बस इसका मोरल ये है कि ये जब बोलता है कि एक एक भरोसेमंद आदमी को जीतना बहुत मुश्किल, बहुत इजी है, पर जब उसे लूटते हैं तो वो बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि पता नहीं, क्योंकि उसकी अटैचमेंट होगी होगी भाई, उसने जितने भी लोगों को लूटा, वो एक तो उनका भरोसा हरी सिंह पर नहीं था, ठीक है, और दूसरी बात वो अमीर होंगे, ये बेचारा गरीब, इतना भी गरीब नहीं है कि घर भर भी ना हो। ठीक है, बस इतना ही चैप्टर था ये। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है, और नहीं लगा हो तो भाई डिसलाइक कर देना। बाय बाय।